हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हमने फिर से एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक IDFC फर्स्ट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया। तो खास बात पता क्या है दोस्तों इस बैंक की, कि इस बैंक को देखिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है वो एंडोर्स करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कुछ तो खास बात होगी इस बैंक में, और लिखा भी आ रहा है शिफ्ट एंड गेट अप टू 7% इंटरेस्ट पर एनम। जी हाँ दोस्तों, कि आप बैंक अकाउंट ओपन करवाइए और सेविंग पे ही 7% जो है इंटरेस्ट रेट पाइए पर एनम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंदुसिंध बैंक हो गए या कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, ये काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं ना अपने कस्टमर्स को, उसी तरह से IDFC बैंक भी काफी ज्यादा हाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करा है। क्या ये जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी भी एप्लीकेबल है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई कस्टमर IDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट खुलवाना चाहता है तो फिक्स डिपॉजिट खुलवाने पर उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या वो वाकई में अदर बैंक से कंपेयर करने पर ज्यादा है या फिर उनके बराबर है। तो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल ही चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं कि क्या है सारा प्रोसेस और किस तरह से हम जान सकते हैं कि IDFC बैंक में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल GD टेकी से। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सीधा ही प्रैक्टिकल और जानते हैं क्या है सारा प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना है IDFC बैंक लिमिटेड। देखिए, जैसे ही आप IDFC बैंक को सर्च करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, IDFC बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.idfcfirstbank.com वो आपके सामने दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट उसे ओपन कर देना। देखिए फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद इस वेबसाइट में कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। उस इंटरफेस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऑप्शन है वो हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, ताकि हम ये जान सके कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो IDFC बैंक हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट के नीचे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही नीचे आते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस ना दिखाई दे रही हैं। सेविंग अकाउंट्स अप टू 7% पर एनम। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हम नीचे आ जाते हैं, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और भी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद काफी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हमें मिलती जा रही हैं। देखिए, जैसे ही हम सबसे लास्ट में आ गए, तो लास्ट में आने के बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है एक्सप्लोर। देखिए, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया ना एक्सप्लोर की ऑप्शन, एक्सप्लोर की ऑप्शन में हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। उसमें एक ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट की जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की सहायता से हम जान सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं। तो मैं इंटरेस्ट रेट पे पहले क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटरेस्ट रेट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारे सामने इंटरेस्ट रेट का जो वेब पेज है वो ओपन होके आ गया। अब हम जानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, लेकिन किस फिक्स डिपॉजिट पर। देखिए, रिटेल डिपॉजिट रेट्स फॉर लेस देन 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो 2 करोड़ से नीचे ही होती है, इसलिए हम 2 करोड़ से नीचे जो टर्म डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके बारे में जानेंगे।
देखिए आगे हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं कि आप देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं। आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसे देख सकते हैं। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, हमारे सामने एक पीडीएफ जो है वो खुल के आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पीडीएफ खुलने के बाद वहां पे लिखा आ गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद सबसे पहले आप ये मैसेज रीड कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम WEF मतलब के जो इफेक्ट किए गए हैं वो हुए हैं 15 सितंबर 2020 को, अगर आप लेस देन 2 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की जो मार है वो IDFC बैंक पर भी पड़ चुकी है, क्योंकि इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो चुके हैं। हम जानते हैं कितने कम हुए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 7 से 14 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा 2.75% पर एनम। उसी तरह से 15 से 29 दिन के लिए अगर आप करवाते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है, 3.00%। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा कम हो चुकी है। उसी तरह से 30 से 45 दिनों के लिए 3.50%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक साल की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो एक साल की फिक्स डिपॉजिट को करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक साल और 499 डेज के लिए, अगर आप एक साल यहाँ 499 डेज के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.75% पर एनम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको पता चल चुका है कि कोरोना की जो मार है वो IDFC फर्स्ट बैंक या और भी प्राइवेट बैंक्स के ऊपर पड़ चुकी है, जिसके कारण इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी कम हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप 500 डेज की फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो उस पर आपको 6.00% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, नोट्स के बारे में। नोट्स में एक खास चीज लिखी हुई है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको एडिशनल जो है 0.50%, देखिए, ओवर द अबव रेट एंड विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर NRE एंड NRO फिक्स्ड डिपॉजिट, कि अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो ही आपको एज ए सीनियर सिटीजन के नाते 0.50% एक्स्ट्रा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं तो आप IDFC बैंक में 500 डेज की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, कितना, 6.50%। ठीक है दोस्तों, तो बाकी यही था आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक, कि आपको बताना कि IDFC जो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि जाना जाता है अपने हाई इंटरेस्ट रेट्स के लिए, तो उसमें भी कोरोना काल के दौरान कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यही था आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक। बाकी अगर आपको फिर भी इस वीडियो में ना कुछ पता चला हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल GDTech को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।